नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेनी है। बाद में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। बाद में दोस्तों यहां पे रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी दोस्तों ये जो वीडियो है वो फुल स्क्रीन का हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रेशियो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो रेशियो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से आपको जो स्काई का एक फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर दिया है। अभी फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको उस फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हाथ से ही उसको ज़ूम कर देना है। ये जो फ़ोटो है उसको हाथ से ज़ूम कर देंगे। अभी दोस्तों खाली जगह पे क्लिक करके अपने बाहर आ जाएंगे इस तरफ। अभी दोस्तों यहाँ पे बाद में आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको कोई भी PNG फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़ोटो अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी ये जो फ़ोटो है उसको ज़ूम कर देना है इस तरह और यहाँ पे आपको सेट कर देना है। अभी दोस्तों ये फ़ोटो सेट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और ये जो फ़ोटो है उसका डुप्लीकेट कर लेना है इस तरह। तो दोस्तों ये फ़ोटो का हमने डुप्लीकेट कर दिया है और इसको ज़ूम कर लेना है और यहाँ पे सेट करना है आपको। बाद में आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो लिखा है सेंड बैक करके वहाँ पे क्लिक करना है और ये जो फ़ोटो है उसको पीछे की तरफ ले जाना है इस तरह। तो दोस्तों ये जो फ़ोटो है वो पीछे की तरफ सेट कर देना है। अभी आपको यहाँ पे ये ओपेसिटी लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको उसकी जो ओपेसिटी है वो आपको कम कर देनी है, इतनी कर देनी है और खाली जगह पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। इतना आपको कर लेना है। बाद में दोस्तों यहाँ से ये जो फ़ोटो है यहाँ से आपको खींच लेना है। तो सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड फ़ोटो है उसको पीछे की तरफ हम खींच लेंगे। जो ये अपना वीडियो है वो 30 सेकंड का है, तो 30 सेकंड तक ये जो पीछे का जो पार्ट है हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे 30 सेकंड हमने कर दिया है। वैसे ही दोस्तों आपको ये जो दूसरी लेयर है उसको भी हम 30 सेकंड तक कर देंगे इस तरह। तो ये 30 सेकंड का अभी हो गया है। अभी आपको सबसे पहले यहाँ लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम एक लिरिक्स वीडियो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट कर दिया है। अभी आपको यहाँ ब्लेडिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ये जो वीडियो है यहाँ पे अच्छी तरह सेट कर देना है। यहाँ पे आपको सेट कर देना है इस तरह। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है वो सेट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टिकर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको एक स्टिकर ले लेना है। तो दोस्तों आपके पास अगर ये जो स्टिकर है वो डाउनलोडेड ना हो तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आपको स्टिकर में चले जाना है। ये जो स्टिकर है वहाँ पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट लिखा है, वहाँ आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम ये जो स्पेशल इफेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ लेयर पे जाओगे और ये स्टिकर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये इफ़ेक्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये जो इफ़ेक्ट है ये फॉग वाली वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह, और यहाँ पे आपको सेट कर देना है। बाद में दोस्तों ये जो फॉग वाली इफ़ेक्ट है, ये जो स्टिकर है उसको पीछे की तरफ हम खींच लेंगे, इस तरह आपको पीछे की तरफ भी खींच लेना है, इस तरह आपको सेट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इतना होने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो के पीछे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिरिक्स वाला वीडियो है वो 24 सेकंड का है। तो अभी हम यहाँ से जो बैकग्राउंड फ़ोटो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 24 सेकंड अपने आ जाएंगे। बाद में आपको यहाँ पे जो सीज़र दिख रही है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यानी कि पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट हो जाएगा। अभी दोस्तों ये जो वीडियो है वो 24 सेकंड का है। अभी दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से तैयार है, अभी ये वीडियो सेव करना है। तो वीडियो सेव करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है। बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा, बाद में आपको यहाँ से जो रिजोल्यूशन है वो सिलेक्ट कर लेना है, फ्रेम रेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हाई आपको कर देनी है। बाद में आपको यहाँ पे जो सेव वीडियो लिखा है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।